मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की दुर्गति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। किसानों का 70% सोयाबीन खराब हो गया, लेकिन सरकार ने किसानों को उसकी कोई राशि नहीं दी। पटवारी ने कहा कि मालवा के किसानों को सोयाबीन की फसल से कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में 25 विधायकों ने किसानों की ऋण माफी की जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है। शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि मैं एक एक दाने का हिसाब, एक एक दाने का किसान के घर में जो खराब हुआ उसका एक एक अंश दूंगा। आज तक किसानों के पिछले साल की जो सोयाबीन खराब हुई थी उसका पैसा नहीं गया। शिवराज सिंह जी, कितने किसान के बेटे बनके उनकी हत्या करोगे आप, ये बताओ। दूसरा, पिछली बीमे की राशि जो हमारे से ली जाती है वो भी आज तक एक किसान को भी पिछले सोयाबीन की नहीं मिली। और कमल पटेल का बयान है, इस बीच सोयाबीन बोना घाटे का सौदा है, कहां पे बोना वो? ये किसानों का मत बो, ये कहां किस प्रदेश में जिसको तमंगा मिला था, सरताज था, सोया प्रदेश जिसको बोला जाता था, वो प्रदेश भी इन्होंने सोया प्रदेश को उस तमंगे से भी महरूम कर दिया, दूर कर दिया।